जी आंटी मुझे स्टोरी सुनाए। स्टोरी सुनाऊं आपको? स्टोरी सुनाते हैं आपको। कौन सी सुनाऊं आपको स्टोरी? वो वाली सुनाए जिसमें वो होते हैं क्या कहते हैं जिसमें एक एक्स नीचे गिर जाता है। अच्छा अच्छा वो वाली। वो हाँ उसमें ये होता है कि एक जो होता है ना एक होता है लकड़हारा वुड कटर जिसको बोलते हैं वुड कटर। अच्छा ठीक है। तो वुड कटर होता है तो वो एक दिन ना जंगल में जाता है लकड़ियां काटने के लिए और वो उसके पास एक नदी बह रही होती है। नदी कौन सी? स्ट्रीम बह रही किसको कहते हैं? तो वो उसमें जब वो काट रहा होता है ना लकड़ियां तो उसके जो है ना हाथ से छूट के वो गिर जाती है नदी में। कुल्हाड़ा जिसको एक्स बोलते हैं ना ऊपर करें सर तो वो गिर जाता है नीचे। और नीचे नहीं गिरता बल्कि वो उसे नदी के अंदर गिर जाता है जहाँ पानी बह रहा होता है ना स्ट्रीम जिसको बोलते हैं तो वो उसमें गिर जाता है। वो अब वो रोने लगता है। वो कहता है मैंने तो अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाना था लकड़ियाँ बेचता था तो वो खाना लेके जाता है। वो कहने लगा कि जी मैं क्या करूँ। रोने लगा तो एक ऐसा हुआ कि वो फरिश्ता इस फरिश्ते की सूरत में ना एक आदमी आया। कहता है क्यों रो रहे हो तुम? अब वो जो था ना वो आदमी कहने लगा आप क्यों रो रहे हो? तो कहता है जी मैंने अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाना था चीज़ें लेकर जानी थी लकड़ियाँ बेच कर काट कर लेकिन क्या कि ये जो है ना गिर गया कुल्हाड़ा जो है ना मेरा एक्स जो है वो नदी में गिर गया है अब मुझे मिल नहीं रहा है। वो कहता है इसमें तो कोई बात ही नहीं है इसमें तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है और मैं आपको ला देता हूँ। उसने जनाब जी एक छलांग लगाई जंप लगाई उसमें और उसने वो उसको ला दिया उसको निकाल कर दे दिया उसका एक्स जो था। तो वो पता कौन सी लेकर आया उसका जो गिरा था वो नहीं वो लेकर आया गोल्ड की गोल्ड का एक्स लेकर आया गोल्ड सोने का। हाँ उसने कहा कि यह है आपका एक्स यह है आपका कुल्हाड़ा। कहने लगा नहीं नहीं ये मेरा नहीं है। वो फिर कहने लगा अच्छा ठीक है इधर मुँह इधर करें अपना। तो वो कहता अच्छा ये नहीं आपका? कहता नहीं मेरा नहीं है। वो फिर उसने एक जंप लगाया और फिर वो एक और लेकर आया। वो भला कैसा लेकर आया था? वो उससे जो नीचे गिरा था नहीं वो लेकर आया था फिर सिल्वर का यानी चांदी का। वो कहता ये है आपका एक्स? तो वो कहता नहीं ये तो नहीं है मेरा। फिर वो कहता है ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है अल्लाह ताला को इस बात की बहुत अच्छी लगी उसकी बात। तो उसने कहा कि ठहरो मैं अभी लेकर आता हूँ। वो फिर और उसने जंप लगाया उसने जंप लगाया उसमें नदी में तो वो उसका जो अपना वाला था ना जो एक्स वो अपना वाला हाँ जी वो लेकर आया और वो कहा कि वो एकदम खुश हो गया। खुश? हाँ जो वो था ना वुड कटर वो बहुत खुश हो गया। कह लगा हाँ ये मेरा है। तो अल्लाह ताला को इतना अच्छा लगा उसकी बात पसंद आई और उसने बंदे ने इंसान ने जो लेकर आया था ना उसके लिए फरिश्ता फरिश्ते की सूरत में तो उसने कहा कि अल्लाह पाक ये तो बंदा बहुत अच्छा है और ये तो सच बोलता है। पहले मैंने इसको गोल्ड का दिया था तो इसने कहा नहीं मेरा नहीं है। फिर मैंने इसको सिल्वर का दिया चांदी का तो इसने कहा ये मेरा नहीं है। अब जो इसका रियल था ना उसका आयरन का बना हुआ था वो कहने लगा मेरा है ये। उस बात पे ना फिर उसको अल्लाह ताला ने इनाम दिया और फिर क्या कौन सा इनाम? वही दोनों जो थे ना एक्स उसके पास वो रखे तो फरिश्ता गायब हो गया। फिर वो एक आवाज़ आई गायब से कि अल्लाह ताला को ये आपकी बात बहुत पसंद आई है कि आपने जो है ना सच बोला है झूठ नहीं आपने बोला आपने लालच नहीं किया। तो जो इंसान को लालच नहीं करना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब वो वाली सुनाए जो आपको और कौन सी याद थी आपको? और इसी तरह झूठ पर मैं आपको एक और बताती हूँ कि झूठ इसलिए बोलना नहीं चाहिए सच बोलने वाला जो होता है ना वो अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है और इंसानों को भी। वो एक बच्ची थी इंसानों को बहुत अच्छा लगता है जो आपकी तरह एक छोटी सी बेटी थी प्यारी सी गुड़िया सी। तो वो एक दिन ना अपने किचन में गई तो वो किचन में गई तो पानी पीने लगी वो जब वो
पानी पीने लगी तो उसके हाथ से ना गिलास गिर गया और टूट गया। जब गिलास गिरकर टूट गया तो मामा को आवाज़ पहुंची। मामा ने पूछा, खैर उस टाइम तो उनसे किसी ने नहीं पूछा, सुबह हुई ना जब, तो वो उन्होंने अपने दूसरे बच्चों से भी पूछा, जी ये गिलास किससे टूटा है रात को। अब वो दो जो बहन भाई थे ना उसके, जैसे आपका भाई है ना वो छोटा सा जो बैठा हुआ देख रहा है, तो और भी उसके बहन भाई थे तो वो भी खामोश रहे। तो वो फिर पहले तो वो बच्ची भी वो परेशान हो गई कि मामा कहीं पनिश ना मुझे दे दें। फिर भी उसकी मामा ने उसे कहा था कि सच बोलते हैं, हर बात में सच बोलते हैं। तो उसने फिर कहा, मामा जान मुझसे गिर गया था ये गिलास और मुझसे टूट गया। तो जब उसने अपनी मामा को बताया तो उसकी मामा की टेंशन दूर हो गई कि ये वाकई ये जो गिलास है ये उससे टूटा था एनी से, तो एनी ने सच बोला है। अब जी एनी समझ रही थी कि मुझे मार पड़ेगी, लेकिन उसने सच बोल दिया ना। जब उसने सच बोला तो उसके जो मामा थी वो बहुत खुशी हुई और उन्होंने ना उसे बहुत प्यार किया और कहा कि आप बहुत अच्छी बेटी हो, आपने सच बोला है और अल्लाह ताला भी आपको इनाम देंगे। और कौन सी आपने गिलास वाली और आपने एक और देखी थी ना, क्या आपने एक और मूवी देखी थी, वो क्या कहते हैं मूवी नहीं एक और, आप खुद से बना के देखे मुझे सुना। खुद से बनाऊं? अच्छा खुद से बस मैं आपको यही कहूंगी कि बेटा झूठ नहीं बोलते हैं, जो भी बात होती है ना सच सच बता देते हैं और सच बोलने से अल्लाह ताला भी खुश होते हैं, ठीक है, मामा पापा भी खुश होते हैं, फ्रेंड्स भी खुश होते हैं कि ये बच्ची बहुत अच्छी है या बच्चा बहुत अच्छा है ये। अच्छा आपको मैंने ऑयलिंग की है ना तो आपको अच्छा लग रहा है? हाँ ऑयल लगाना अच्छा लग रहा है ना जी। इसके क्या फायदे हैं पता है आपको ऑयल लगाने के? फायदे का मतलब क्या होता है? फायदे बेनिफिट्स। फायदे का मतलब होता है जिससे हमें हर चीज में फायदा हो, यानी अच्छा लगे, जो काम आसान हो जाए और बुरा भी ना लगे। अच्छा तो आपकी जो बेटी है नहीं सॉरी जो फजर है उसका आपको जब वो छोटे होते थे तो आपको उनके बचपन की बातें याद है? बहुत याद है। सुनाए मुझे बहुत सारी इन चीजों की, मुझे इन ये जो बचपन की बातें होती है ना किसी को वो मुझे बड़ी पसंद है। अभी तो आप खुद भी तो छोटी सी हो ना। फजर ने एक दिन क्या किया कि सुबह सुबह जाग गया। जाग गया सुबह को और जागने के बाद जब मामा पापा सो रहे थे ना उसके, तो वो दरवाजा खोला उसने तो वो ना चला गया और उसने शूज पहने और बाहर निकल गया, गली में निकल गया। अब वो मामा पापा सोए हुए थे, कुछ पता ही नहीं चला कि फजर कहाँ गया। अब वो जब जागे हैं तो उन्होंने फजर को देखा कि बेड पर ही नहीं है। उन्होंने कहा कि फजर गया तो कहाँ गया, कहाँ गया। उन्होंने आवाज दी दूसरे रूम में, देखा तो नहीं। मामा भी परेशान हो गई, हम भी परेशान हो गए, फजर कहाँ गया, फजर कहाँ गया। अब फजर को दो तीन हमने ना जाकर बार आवाजें दी बाहर दरवाजे में, तो वो एकदम से आ रहा था हाथ में वो लिए क्या, उसके हाथ में लॉलीपॉप नहीं होता जो, उसके पास थोड़े से पैसे थे पॉकेट में, रात को रह गए उसकी पॉकेट में। तो वो सुबह को उसने सोचा कि मामा पापा सो गए हैं, मैं जल्दी से जाके ना बंटी सलांटी लॉलीपॉप्स कुछ भी ले आऊँ जाकर। अब वो जब हमने देखा कि वो आ रहा है चला हुआ तो हमने उसे कहा कि तुम कहाँ चले गए थे? कहता है मैं ना चीज लेने गया हुआ था। फिर उसको हमने कहा कि सुबह सुबह चीज नहीं खाते हैं, सुबह सुबह सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, हाँ जी, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, स्लाइस लेते हैं, एग लेते हैं। मैं तो ज्यादा एग और ब्रेड ही खाती हूँ। तो उसको फिर हमने यही समझाया ना कि खाली पेट जो है ये बाजार की चीजें नहीं खाते, इनसे गला खराब हो जाता है, होता तो है, कफ आने लगती है, कफ भी नजला भी हो जाता है, बुखार भी हो जाता है। हाँ ऐसे ही होता है ना, ठंडा ठंडा है ऑयल, ठंडा 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 लग रहा है ना, हाँ। तो फिर उसको फिर हमने ये समझाया तो वो कहता जी नहीं मुझे तो यही चीजें अच्छी लगती है, मैं तो यही खाऊंगा पहले। फिर उसके पापा ने ना उसको डांटा फिर, लेकिन उसको पता चल गया कि सुबह सुबह जो है ना हम पहले ये चीजें नहीं खाएंगे, हम जो है ना पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। नहीं ब्रेकफास्ट से भी पहले क्या होता है,
ब्रेकफास्ट से भी पहले हमें वो हैंड वॉश और फेस वॉश करना चाहिए। और टीथ ब्रश ब्रश करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। अच्छा फजर जो है ना ब्रश करने में बहुत वो तंग करता है। क्यों? वो नहीं करता, वो कहता है बस मेरे टीथ साफ है। रात को करवा के सोती हूँ ना उसको मैं, तो वो फिर कहता है कि जी नहीं मैंने रात को कर लिए थे। हालांकि रात को भी करते हैं, मॉर्निंग में भी करते हैं ना, तो वो कहता है जी नहीं मेरे टीथ साफ है। तो और आपकी जो बेटी की बातें वो याद है? बेटी की बातें, हाँ वो छोटी सी थी ना, तो जब वो बहुत छोटी सी थी तो ये जो वॉशिंग बेसन नहीं होता, मैं इसमें इसमें उसको बिठा कर ना उसमें मैं उसको नहलाया करती थी। फिर वो जी वो पानी की जो वो टैप होती है टूटी, वो उसके ऊपर वो जब वो दब जाती थी पीछे उसके हो जाती थी, तो फिर मैं कहती थी मैं इसको कैसे नहलाऊं, लेकिन उसमें बिठा कर मैं नहलाती थी। फिर पिक्चर भी बहुत बनाती थी उसकी मैं। हंसती थी नहाते हुए? नहीं, जो मेरी मम्मी का बेटा है ना छोटा, वो अपनी मर्जी से तो नहा लेती थी, वो का खोल के बाल्टी में। वो तो नहाता है लेकिन कब भी होता है जब नहाता है मेरी मम्मी का बेटा। फजर भी नहीं नहाता फजर जो है, हालांकि नहाना अच्छी बात होती है ना, बात लेना होती तो है, तो वो जो है ना वो फिर कहता है कि नहीं मुझे सर्दी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, तो गर्म पानी से नहा दिया करें। गर्म तो मैं करती हूँ, ये नॉर्मल कर दिया करें। नहीं, गर्म पानी से नहलाती हूँ, ठंडा भी और गर्म भी, उसको तेज गर्म पानी अच्छा लगता है ना, तेज गर्म पानी मुझे भी ऐसे ही लगता है। वो कहता है सर्दी लग रही है, वो सर्दी लग रही है, फिर मैं कहती हूँ नहीं फील ना करो, आप फील करोगे महसूस करोगे तो फिर ज्यादा आपको लगेगी। आपको अच्छा लग रहा है ऑयल लगाना, ऑयल लगवाती रहा करो। अच्छा लगवाती तो हूँ लेकिन ज्यादा जब मुझे ना ज्यादा जुए दिखाना नहीं, तो जुए तो नहीं। आपके अब हैं भी नहीं, नहीं है नो, डैंड्रफ हो जाती है अलबत्ता अगर आप तेल नहीं लगाएंगी तो, ऑयल नहीं लगाएंगी ना तो डैंड्रफ। मामा कभी कभी लगाती है ना, हर रोज नहीं लगाती इस वजह से। नहीं रोज तो ना भी लगाएं कोई बात नहीं, नींद तो नहीं आ गई? नहीं नींद तो नहीं आ रही है? नहीं। अच्छा क्योंकि जब ऑयलिंग करती है ना तो नींद भी तो आ जाती है ना। जब चाय पीते हैं फिर नहीं आती। और क्या बनोगी बड़ी होकर आप? टीचर। बस टीचर अच्छे लगते हैं आपको? वेरी गुड। मैं इंग्लिश की टीचर बनूंगी। इंग्लिश की? हाँ जी। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है? मुझे सबसे ज्यादा तो आर्ट लगता है। आर्ट? आर्ट आर्ट वो ज्यादा अच्छा लगता है। आप कौन से सब्जेक्ट की टीचर है? मैं ऑल सब्जेक्ट्स। हर हर सब्जेक्ट। अच्छा तो आप स्कूल पढ़ती थी? जी आप स्कूल जाती थी पहले? हाँ स्कूल भी जाती थी, कॉलेज भी जाती थी। पहले हम पढ़े हैं तो फिर टीचर बनी थी ना, पहले पढ़ते हैं तो फिर टीचर बनती है ना, ऐसे थोड़ी बन जाती। मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना स्कूल में बड़े, पता कितने फ्रेंड्स हैं? एक का नाम रैना है, मेरा नाम रैना है, उसका नाम रैना है। रैना, वेरी गुड, दोनों के नेम मिलते हैं। और एक का नाम मीरब है, एक का नाम रुमा है। और एक ज्यादा फ्रेंडशिप किससे आपकी? रुमाहा और मिनाहिल। अच्छा फिर आप एक दूसरे के साथ खेलती हैं? हाँ एक दूसरे की। लेकिन लेकिन कोरोना वायरस है ना, इस वजह से ना टीचर ना प्ले ग्राउंड में नहीं खिलाती है। टीचर कहती है टीचर थोड़ा सा क्लासरूम में ही टाइम दे देती है ना। अब तो आप बहुत डिस्टेंस से बैठती होंगी ना, फासलों से दूर दूर बैठते हैं अब तो बच्चे। लेकिन टीचर हमें बहुत ज्यादा काम देती है, हम थक गया तो मैंने एक दिन अपने दोस्त को कहा कि यार ये तो बार बार टीचर आई जा रही है तो मेरे तो हाथ ही थक गए हैं। कहती है वो कहती है चलो फिर भी काम करना तो है ना, टीचर है। टीचर्स को भी तो ये होता है ना कि बच्चों को हम पढ़ाएं, उनको लिखाएं, उनको जो है ना हम कुछ नॉलेज दें, टीचर्स भी तो ये चाहते हैं। फिर एक बात दोस्त भी है वो बहुत ही होशियार है। हाँ जी कर दे बाल, इसे स्ट्रेट भी होते हैं ना, वो ऐसे स्ट्रेट हो जाते हैं। आपके बाल स्ट्रेट है या कर्लिंग?
मेरे बाल तो बेटा रहे नहीं, उतर गए हैं, लेकिन स्ट्रेट है। मेरी तरह? आपकी तरह है। मेरी हर अब तो उसके मामा मेरे ऑयलिंग करते हैं। मेरी हर अब तो उसके भी ना स्ट्रेट बाल है मेरी तरह। और वो जो है ना मेरी हानी दोस्त, उसके कर्लिंग है। कर्लिंग है? आपको कैसे अच्छे लगते हैं? मुझे हरम के बाल अच्छे लगते हैं, ज्यादा स्ट्रेट। उसके कैसे हैं? उसके भी मेरे तरह स्ट्रेट है। अच्छा। बहुत पोनी बनाऊं या दो चुटिया बनाऊं या क्या? दो चुटिया बनाऊं? हाँ जी। ऐसे आपको स्टाइल बनाना आता है? हेयर स्टाइल? हाँ जी। कश्माला के मैं कटिंग करवाती थी पहले। मैंने तो कटिंग बनाने लगी चुटकी है। हाँ। फिर मैंने उसको जो है ना मैंने छोड़ दी, फिर वो चुटकियां बनाती थी। मैंने कटिंग नहीं करवा ली, मैं करवाती नहीं हूँ। मैं अपने बाल इतने इतने करना चाहती हूँ। ठीक है, बड़े होके मैं इतने इतने। लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं बच्चियों को। कश्माला आपके के भी लंबे बाल हैं? मेरी मिनाहिल दोस्त है, उसके इतने इतने बाल आते हैं। अच्छा, आप बाबा ऐसे करेंगे, थोड़ा सा साइड में हो। आपको पता है जब मेरा पांव आया था ना, तो फिर ना बाबा मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे। पांव कैसे आ गया था? पांव वो आया नहीं था, उसके अंदर शीशा चले गया था। नंगे पांव थे? हाँ, वहां ना शीशे बाहर, ये ग्लास टूटा था, शीशे बाहर आए हुए थे, तो नंगे पांव एक बार मुझे ब्लड निकला, मुझे इतनी दर्द होती थी, बस बाबा निकालने के लिए। तो नंगे पांव नहीं ना फिरना चाहिए आपको? नंगे पांव क्यों घूमनी थी आप? वैसे ही मुझे लगा कि ये सिर्फ हिलना नहीं है, आपने फेस इधर रखे अपना। देखा ना, बालों में ऑयलिंग की है, कंघी की है, तो आपको सुकून मिला है ना? हाँ जी। तो इस तरह बालों की भी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। बालों की? हाँ, ऐसे हेयर्स की ग्रोथ अच्छी होती है ना ऐसे। मेरी मेकअप दोस्त है, उसके इतने छोटे बाल है, वो ऑयल भी नहीं लगाती। उसके सिर्फ इतने। मामा का कहना नहीं सुनती होगी ना? जो बच्चे मामा का पापा का कहना नहीं, लेकिन वो उसके पढ़ाई में अच्छी है। अच्छा, कहना भी तो मानना चाहिए ना, जैसे मामा पापा कहते हैं। आपको पता है जिनके जिन लड़कियों के स्ट्रेट होते हैं उनको कर्लिंग पसंद होती है, कर्लिंग पसंद होते हैं, तो जिनके कर्लिंग होते हैं तो उनको स्ट्रेट पसंद होते हैं। लेकिन जो चीज अल्लाह दे देता है ना, उसमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, कि अल्लाह पाक का शुक्र है, उसने दिए तो है ना। हाँ जी, दिए तो है, बाल तो है ना। मुझे अल्लाह ताला बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा एक वहाँ मेरी ना मेरी ना हाला का एक बेटा है, उस दो बेटे हैं, एक का नाम है वहाज, एक का नाम है उसैदी। तो जो उसैदी है ना, वो अल्लाह ताला के साथ ना कहता है, अल्लाह ताला आप गंदे हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? छोटा है ना, छोटा सा है। हाँ। फिर मामा ने बताया नहीं कि मामा ने बताया है उसकी मामा ने जब बताया ना, वो बार बार अल्लाह ताला को क्वेश्चन करने शुरू हो गया। हाँ। अच्छा। वो यार गोलगप्पे को कहते हैं गोलगत्ते। अभी छोटा सा होगा ना। हाँ। जब बड़े हो जाएंगे फिर पता चल जाएगा। मैं छोटे होते अंडा को कहती थी अंडन। अंडन? हाँ जी। अच्छा, वो कश्माला भी पता क्या कहती थी? क्या? अन्ना। अन्ना? हाँ, मैंने मामा अन्ना था ना, अन्ना। फिर वो अन्ना खाती थी, फिर उसको मैं अन्ना जैसे वो कहती थी, मैंने कहा गरम अन्ना खाना है कि घी वाला अन्ना खाना है, फिर वो कहती थी मैंने गरम अन्ना खाना है, यानी बॉयल। हाँ, बॉयल एग को। अच्छा, मैं भी ज्यादा बॉयल ही खाती हूँ। लो, मुझे दूसरा भी दो। अब आप अच्छी बेटियों की तरह क्या करेंगी? अच्छी बेटियों की तरह उन अच्छी बेटियों को फॉलो करूंगी। क्या करोगी? फादर जितना मैं ट्राई करूंगी अच्छी बनना। अच्छी बनना ट्राई करूंगी। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बेटी बनके
आपने जो है ना अपने ये तो जब मैं स्कूल इसका वैसे ही छुट्टियां बना के जाती हूँ ना, मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि आप कैटो लग रही हो। कैटो कैटो तो आपको हो ही छोटी सी कैटो मानो।